मोटी कर दो। सही है सही है, हाँ अपने हिसाब की बना यार। अपने जैसे मोटी कर दो। यार करीब से लगाए, डर लगता है, कुछ नहीं होता। लाइटर अच्छा पहला ले लिया था यार, कहाँ गया वो, इतना प्यारा लाइटर था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम बाट हैं। आग जलाना अभी तक मुझे नहीं है, 6 महीने हो चुके हैं मैं ये फूड व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं चूल्हे पे आग जलाना नहीं सीख सका। बहुत सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि वाह भाई मास्टर शेफ़ बन गया। भाई काहे का मास्टर शेफ़, आग जलाना तो सीख लिया मास्टर शेफ़। तो यार आग वैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह जला ली है, चूल्हे पे हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। क्या बॉयल करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। दरवाज़ा तो उस दिन मैंने आपको बताया था हमने लगवा लिया है, लेकिन गैस वाला सिस्टम हमने नहीं लगवाया था जो कि अब लग चुका है। ये देखिए चूल्हे को मैंने वायर लॉक में कैद किया हुआ है ताकि कोई चोर उचक्का इसको यहाँ से लेकर निकल ना जाए। तो गैस का सिस्टम भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे ओवन का रेडी हो चुका है, तो बहुत जल्द यहाँ पे हम बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपीज शुरू करेंगे, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हम बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या बना रहे हैं, आज हम दोस्तों बनाने लगे हैं क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं इसको। तो क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले आलूओं को करना है बॉयल, लेकिन बॉयल करने से पहले आलू हम करेंगे वाश, और वाश करने के लिए हमें उनको छानने में डाल के धोना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू को दोस्तों हम छीलने लगे हैं। बिना छीले भी आप इनको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन बाद में मुझे छिलका उतारने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैं इनको पहले ही छील लेता हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हैं भैया? यार इस तरह काटने से ना जल्दी बॉयल हो जाएंगे। अच्छा, मतलब वैसे आपने करना क्या है इनको, वो पीसना है आपने? हाँ, मैश करना है। अच्छा ओके। चलो यार आलू को भी हमने काट लिया है, अभी इनको हम बॉयल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच हम नमक के भी ऐड कर लेते हैं। यार आलू हमारे इंशाल्लाह बॉयल हो चुके होंगे, क्योंकि तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इनको उबलते हुए। अभी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह देखें ना, टूट रहे हैं ज़बरदस्त। चलिए हम इनको निकाल लेते हैं, फिर इनको हमने मैश करना है। दोस्तों अभी हमने इन आलुओं को मैश करना है और इनका मसाला बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास ये रस्क हैं, जो कि हम नाश्ते में चाय के साथ खाते हैं, इनके हम बनाएंगे क्रम्स। स्लाइसेस थे नहीं तो इनके भी हम क्रम्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस इनको मैश करते जाने हाथों से ऐसे। क्रम्स हमने बना लिए, देखिए इस तरह के बने, बिल्कुल ड्राई हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमने मैश कर लिए हैं, अभी हमने इनमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रेड क्रम्स हैं जो कि अभी हमने बनाए थे, इनको हम शामिल कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी सूजी ऐड करेंगे, लगभग कोई 6 से 8 चम्मच सूजी के।
सूजी के बाद दोस्तों हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर 10 से 12 चम्मच। कुछ शिमला मिर्च है जो कि हमने शामिल करनी है इसमें। हरी मिर्च ऐड करेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे और हरा धनिया भी। नमक ऐड करेंगे लगभग 3 चम्मच। लाल मिर्च, कूटा हुआ धनिया, बस फिर मसाले वगैरह। ये क्या हमने अचार डाला यार, कुछ चटपटी सी कुछ चीज डाले यार। चुप करके देखते रहो बस। ओके मिक्स कर लेते हैं इन सारी चीजों को। दोस्तों बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इनकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बहुत टाइम लग रहा है यार। ओए हसन हनी इधर आओ यार। क्या हुआ? क्या गप्पे लगा रहे हो? इधर आओ, काम भी करवाओ यार। भैया इतना टाइम लग रहा है यार, जल्दी करो, अंधेरा होने वाला है। ये टिक्कियां इसी तरह की कौन करेगा? हाथ धोए ना? हाँ देख ले छुट्टी है। ठीक है सही है भैया। इतनी ठीक है बहुत पतली है ये। सही है हाँ, अपने हिसाब की बना यार, अपने जैसे मोटी कर दू। हाँ दोस्तों, मुख्तलिफ डिजाइन की, मुख्तलिफ शेप्स की हमने पोटैटो जो बाइट्स हैं वो बना ली हैं। तो अभी ऑयल को गरम करते हैं। ऑयल नहीं, आज हम घी यूज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद करो। क्यों? चलो ट्यूशन छोड़ गया। नहीं। दोस्तों इस बाउल में हम कुछ मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल के इसमें पानी ऐड करेंगे। दोस्तों ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, इसको हमने क्रम्स बनाने में यूज़ करना है। आज हम क्रम्स ब्रेड के नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स। ये पूरा पैकेट है जिसको हमने अभी मैश करना है। क्या कर रहे हो बेटा, तंग करते रहते हैं यार। हाँ बेटा बना रहे हैं बोटी। तो दोस्तों अभी हमने पोटैटो बाइट्स को फ्राई करना है। सबसे पहले हम डिप करेंगे वो जो हमने मटेरियल बनाया था, और उसके बाद हम इसमें डालते जाएंगे। तो एक साथ ही हम डाल लेते हैं इसके अंदर जितने आ सकते हैं। शायान नहीं करो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले डिप करेंगे, फिर क्रम्स लगाएंगे और देन हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से पहले पोटैटो बाइट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ज्यादा डार्क हो गए, ऐसा लगता है आग तेज थी। हाँ लेकिन है तो बहुत स्लो यार आग। वैसे मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। हाँ बेहतरीन बनी है। लग नहीं रहा था कि बनेंगे अच्छे, लेकिन माशाल्लाह फिट बन गए। क्यों नहीं लग रहा था यार? हम इसे रखते हैं, इधर ही रखते हैं। हाँ खानी अल्लाह लोड़ दी छोड़ लो भी क्या है चाचा, बरकत हो भी कमियन बाबा। तो यार वो बाबा जी आए हैं, उनको तो दे देते हैं ना पहले। हाँ चाचा अल्लाह भी। चखो जरा। भी अल्लाह भामे। आमीन, आमीन। भी चखो। लंगर चलने पाए। आमीन। यार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ।
कैसे बने? शक्ल से तो बहुत ही प्यारा, खुशबू बहुत ही कातलाना खुशबू आ रही है यार। मुझे तो खिलाओ, अभी तक मैंने नहीं खाया। चलो पहले शायान को खिलाते हैं। मुंह खोलो। बाकी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजे का यार, अब हम इसे देखो, मजे का है। बहुत ही कमाल। बस केचप के साथ इसको हम खाएंगे तो बहुत ज्यादा मजे की लगेगी। ओए अंकल को बेटा और देख रहा बाबा जी दोस्तों सुबह से शाम और शाम से इस वक्त रात की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी रेसिपी अभी भी फाइनल नहीं हुई। अभी भी अच्छे खासे हमारे जो पोटैटो बाइट्स हैं वो बचे हुए, जिनको हमने फ्राई करने हैं। और बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर देखिए खड़े वेट कर रहे हैं कब हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। बेटा थोड़ा सा टाइम और है, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आपकी सेवा करते हैं। ठीक है? ठीक है। और ऊंचा बोलो। ठीक है। फाइनली दोस्तों हमने सारे पोटैटो बाइट्स को फ्राई कर लिए और बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे छोटा बच्चा कौन है इस मजमे में? सबसे छोटा ये है। ये लो बेटा सबसे पहले आप। शाबाश। ये लो आलू के गुलाब जामुन। चलो बेटा ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। आजा बच्चों, कैसे बने बताना भी है मुझे। अब बड़े बच्चों को दे देते हैं। ये लो भाई, ये लो सब सेट करें। पहले मैं तो केचप के साथ खाऊंगा। खाओ खाओ खाओ, मजे करो भैया, सुबह से लगे हुए यार। जिसको केचप खानी अब आ सकता है। भाई केचप लगाने का कह रहा है, मैंने इतना मजेदार था अब तो खत्म हो गया। और नहीं लगा। आजे आजे मिले, आजो आजो। थोड़े से रह गए, कुछ घर पे भी लेंगे और कुछ और बच्चे भी आ रहे हैं उनको भी हमने देना। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, रात हो चुकी है, लिहाजा हम वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो आपको कैसे लगी, हमारे पोटैटो बाइट्स कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है और इनको देख के रहा नहीं जा रहा मुझे। खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा। हसन ने भी खाना है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।